साल था 1970 से 1980 के दशक, जब जापान उन दिनों विकास की ओर तेजी से प्रगति पर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था, और वो खौफ थी एक ऐसी बला की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके द्वारा दिया गया मौत बेहद ही खौफनाक था। और वो एक भटकती आत्मा थी जो जापान की गलियों में कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। उन दिनों इसके नाम से बच्चा बच्चा कांप उठता था, और इसका नाम था कुचिसकोआना। ये वीरान और सुनसान सड़कों पर सर्जिकल मास्क पहनकर ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी, और वो बच्चों से सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? ये सवाल आपको जरूर सुनने में कुछ आसान लगता हो, पर इसके सवाल का कोई जवाब ना दे तो वो अपना बेहद ही डरावना चेहरा दिखा देती थी, और उसका चेहरा दो हिस्सों में कटा हुआ होता था, जिसे कहने बहुत लोगों को अपना शिकार बनाया। पर सवाल ये उठा कि आखिर वो ऐसा करती क्यों थी? अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।